अब हम देखते हैं कि कुछ समय सीरीज दी जाती हैं तो उन सीरीज से हम सी प्रोग्राम लिख के फंक्शन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, टोटल सीरीज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। सी प्रोग्राम हम इनफाइनाइट सीरीज के लिए नहीं लिखेंगे, हम फाइनाइट टर्म्स के लिए लिखेंगे। इनफाइनाइट टर्म्स के लिए लिखने का मेथड हम आगे देखेंगे, आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। तो फाइनाइट टर्म्स के लिए यदि हम लिखें तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन एक्स। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन सीरीज होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस एक्स टू द पावर 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 एंड सो ऑन। अब हम इसको टर्म वाइज टर्म देखते हैं। यदि हम एक एक टर्म को देखें तो इसकी पहली टर्म है एक्स, पहली टर्म में न्यूमिनेटर है एक्स, डिनोमिनेटर है 1। न्यूमिनेटर इनको हिंदी में अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं। तो पहली टर्म में न्यूमिनेटर एक्स है, डिनोमिनेटर 1 है और इस टर्म के पहले साइन प्लस है। सेकंड टर्म देखें जो कि एक्स टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 है, तो इसमें न्यूमिनेटर एक्स टू पावर 3 है, डिनोमिनेटर फैक्टोरियल ऑफ 3 है और यहाँ साइन नेगेटिव है। थर्ड टर्म देखें उसमें टर्म है एक्स टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो उसमें न्यूमिनेटर एक्स टू पावर 5 है, डिनोमिनेटर फैक्टोरियल ऑफ 5 है और यहाँ साइन प्लस है। इसी तरह से हम देखें तो nth टर्म में न्यूमिनेटर एक्स टू पावर 2n माइनस 1 होगा, डिनोमिनेटर फैक्टोरियल ऑफ 2n माइनस 1 होगा एंड साइन माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 होगा। हम n की वैल्यूज 1 2 3 4 रख के जो ऊपर लिखे हैं उनसे मैच करके देख सकते हैं। अब हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो किस तरह से करते हैं। हम जैसे न्यूमिनेटर की कैलकुलेशंस को देखें तो जैसे सेकंड टर्म में अपने पास है एक्स टू द पावर 3, हम कभी भी इस तरह से नहीं करते कि एक्स क्यूब निकाला फिर थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है जिसमें एक्स टू द पावर 5 है, तो हम एक्स क्यूब को भूल जाएंगे फिर एक्स को 5 बार मल्टीप्लाई करके एक्स टू द पावर 5 निकालेंगे। हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब निकाला, पिछली टर्म में निकाल लिया था, कैलकुलेट कर लिया था, अब उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स टू पावर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म के लिए उसको फिर से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स टू पावर 7 आ जाएगा। तो हम इस तरह से करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टर्म वाइज टर्म पिछले टर्म से कैसे रिलेटेड है। तो फर्स्ट टर्म हमने लिखी एन वन, हम न्यूमिनेटर को एन आई से लिखेंगे ब्रैकेट में आई और डिनोमिनेटर को डी आई से लिख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म में न्यूमिनेटर है एक्स, डिनोमिनेटर है 1। सेकंड टर्म में न्यूमिनेटर है, फर्स्ट टर्म में जो न्यूमिनेटर था उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर जाएगा। डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर था उसको 2 से मल्टीप्लाई करो एंड देन 3 से मल्टीप्लाई करो। थर्ड टर्म में जो फर्स्ट टर्म में न्यूमिनेटर था उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर थर्ड टर्म का न्यूमिनेटर आता है और फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर था उसको 4 एंड 5 से मल्टीप्लाई करने पर थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर आता है। इसी तरह से nth टर्म देखें तो nth टर्म का न्यूमिनेटर n माइनस 1th टर्म के न्यूमिनेटर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर आता है और डिनोमिनेटर n माइनस 1th टर्म के डिनोमिनेटर को 2n माइनस 2 और एंड 2n माइनस 1 से दोनों से मल्टीप्लाई करने पर जो टर्म आती है वो डिनोमिनेटर है। इस तरह से हम देखें तो हम इस सीरीज को इस तरह से लिख सकते हैं। फिर से हम एक बार लिखते हैं तो साइन एक्स की सीरीज के पहले टर्म को मैं सिर्फ न्यूमिनेटर एन वन कह दूं तो आगे की टर्म्स समेशन के रूप में एन इक्वल टू 2 से स्टार्ट होते हैं माइनस 1 टू द पावर एन प्लस 1 टाइम्स एन एन अपॉन डी एन के रूप में लिखी जा सकती है। एन एन और डी एन क्या है हम ऊपर देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाएं। यदि ये कैलकुलेट करना है तो किस तरह से फ्लो चार्ट बनाएं। तो शुरुआती फ्लो चार्ट यहाँ मैंने बनाने की कोशिश किया। हम स्टार्ट करते हैं, एक्स की वैल्यू रीड करते हैं, देन हम इनिशियलाइज करते हैं किसको, एन एक जो लूपिंग वेरिएबल है, समेशन का वेरिएबल है एन, इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। न्यूमिनेटर को फ्लो चार्ट में एन एन लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर को डी एन लिख रहा हूँ, तो एन एन इक्वल टू एक्स करते हैं, डी एन इक्वल टू एक्स करते हैं, सम इक्वल टू एन एन करते हैं एंड साइन के लिए एस इक्वल टू 1 करते हैं। फिर से देखते हैं। तो हमने स्टार्ट किया, रीड किया एक्स को, इनिशियलाइज किया एन इक्वल टू 2, न्यूमिनेटर इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर इक्वल टू 1,
sum equal to numerator and sine for s for sine is equals to 1. उसके बाद में हम एक कंडीशन में जाते हैं, if n is less than 10, मतलब मैं सिर्फ 10 टर्म्स को ऐड करूँगा, मैं इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड नहीं करूँगा, मैं 10 टर्म्स को ऐड करूँगा। यदि n की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, if n is higher than 10 or equal to 10, तो यहाँ कंडीशन नो कहेगी, ये सम प्रिंट करेगा, सम की जो वैल्यू आई वो प्रिंट करेगा और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। यदि n की वैल्यू 10 से कम है, मतलब मैं 10 टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, n जो न्यूमिनेटर है उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिनोमिनेटर को 2n-2 एंड 2n-1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और साइन को उसी का नेगेटिव कर दूंगा। मतलब साइन यदि पहले 1 था, s इक्वल टू 1 था, तो अब s इक्वल टू -1 हो जाएगा। और सम इक्वल टू सम की पुरानी वैल्यू में s टाइम्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब सम की जो पुरानी वैल्यू क्या थी, न्यूमिनेटर की पुरानी वैल्यू क्या थी, x थी, तो सम की वैल्यू पुरानी वैल्यू x थी, उसमें s से उसमें ऐड करूंगा क्या, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x, अभी न्यूमिनेटर हो चुका है x क्यूब और डिनोमिनेटर हो चुका है फैक्टोरियल ऑफ 3, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, तो फैक्टोरियल ऑफ 3, तो अब सम हो जाएगा 1-x³/3। अब मैं n की वैल्यू बढ़ा दूंगा, n की वैल्यू n+1 कर दूंगा, तो n की वैल्यू अब हो गई है 3। फिर ये कंडीशन में जाएगा, चेक करेगा और इस तरह से ये लूपिंग चलती रहेगी जब तक कि n की वैल्यू 10 से कम है। जो n की वैल्यू 10 होगी, 10 होगी, तो ये आगे सम की वैल्यू प्रिंट कर देगा और निकल जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इसी फ्लो चार्ट को सी प्रोग्राम के रूप में देखते हैं। तो स्टार्ट मतलब सी प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन की स्टार्टिंग, मतलब स्टार्ट की जगह हम लिखेंगे इंट मेन और पैरेंथेसिस स्टार्ट, पैरेंथेसिस क्लोज्ड एंड कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। रीडक्स, रीड के लिए सी प्रोग्रामिंग में स्कैन एफ, तो हम एक्स को स्कैन एफ में रीड कर लेंगे। प्रोसेसिंग जो इनिशियलाइजेशन किया, तो उसमें हम एन इक्वल टू 2 कर रहे हैं, एन एक इंटीजर है, तो हमने इंटीजर डिक्लेयर किया, एन इक्वल टू 2 वैल्यू भी असाइन कर दी। इसी तरह से हम एक साइन के लिए एस ले रहे हैं, तो वो भी इंटीजर है, इंट एस इक्वल टू 1 कर दिया। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एंड सम, ये तीनों फ्लोट हैं, रियल नंबर्स हैं, तो तीनों की वैल्यू कर दे दी एक्स 1 एंड सम इक्वल टू न्यूमिनेटर। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से आगे वाले पार्ट को देखें, तो आगे हमने कंडीशन लगाई थी और कंडीशन लूपिंग वाली लगाई थी। यदि कंडीशन सिर्फ यस एंड नो तक होती तो हम इफ से काम चला लेते, लेकिन यहाँ लूपिंग हो रही है, तो लूपिंग का काम कौन करे, तो यहाँ हम व्हाइल लिख रहे हैं। फ्लो चार्ट में कंडीशन में जहाँ इफ लिखा था, अब हम वहाँ व्हाइल लिख रहे हैं, क्योंकि हमने गो टू स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। यदि गो टू स्टेटमेंट पढ़ते तो हम सीधा इफ लिख के भी काम निकाल सकते थे। तो व्हाइल n इज लेस देन 10, जो इफ की कंडीशन थी वो व्हाइल में लिख दी। नो मतलब यहाँ एंड हो गया, यस मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है। तो यस मतलब व्हाइल के अंदर, बॉडी के अंदर क्या करना है वो, और उसके अंदर जैसे लिखा था n इक्वल टू न्यूमिनेटर टाइम्स x स्क्वायर, तो सी प्रोग्रामिंग में n इक्वल टू n टाइम स्टार x लिख देंगे। डिनोमिनेटर जैसा उसमें फ्लो चार्ट में लिखा है, डिनोमिनेटर की ओल्डर वैल्यू टाइम्स 2n-2 टाइम्स 2n-1, तो यहाँ dn इक्वल टू dn स्टार 2 स्टार n-2 स्टार 2 स्टार n-1। यहाँ कई बार कुछ लोग 2n-2 2n-1 इस तरह से लिख देते हैं, 2 और n के बीच में सी प्रोग्रामिंग में स्टार लगेगा। इसी तरह से s इक्वल टू माइनस s, सम इक्वल टू सम प्लस s स्टार न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड n इक्वल टू n+1, ये यहाँ पर लिख देंगे जो फ्लो चार्ट में लिखा है लगभग उसी तरह से। और नो वाल इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर देंगे, प्रिंट सम के लिए प्रिंट एफ स्टेटमेंट सी प्रोग्राम में वो लिख देंगे, और एंड मतलब रिटर्न 0 और प्रोग्राम का एंड कर्ली ब्रेसेस ऑफ। यदि इसको प्रोग्राम की फॉर्म में लिखते हैं, सबको कलेक्ट करके एक फाइल में लिखते हैं, तो ये बन जाता है इस तरह का प्रोग्राम, जहाँ इंट मैन ये इनिशियलाइजेशन है,
स्किन एफ, बाद में हमने एन इक्वल टू टू, एस इक्वल टू वन, ये डिक्लेरेशन इंटीजर टाइप डिक्लेयर करके इनको वैल्यू असाइन कर दी। बाद में फ्लोट एन एन, फ्लोट डी एन एन, फ्लोट सम, इनको तीनों को एक्स वन और एन एन वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद में लूपिंग वाहिल, वाहिल के अंदर जो प्रोसेसिंग थी वो लिखी, वाहिल एंड किया, सम को प्रिंट किया, रिटर्न जीरो, प्रोग्राम एंड। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने स्कैन एफ में एक्स डाला है, प्रोग्राम जब सी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो वहाँ बताना होता है कि ये एक्स क्या है। तो व्हाट इज एक्स, इज इट इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, वी हैव टू डिक्लेयर इट। तो जब भी हमने ये काम में लिया एक्स को, स्कैन एफ में लिखा है, उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि एक्स क्या है। एक्स एक रियल नंबर है तो हम यहाँ लिखेंगे फ्लोट एक्स। इसके बाद में स्कैन एफ क्या है, प्रिंट एफ क्या है, ये भी यहाँ पर हमने नहीं बताया है। तो हमें इसके लिए एस टी डी आई ओ डॉट एच इंक्लूड करना पड़ेगा, जहाँ से सी प्रोग्राम का जो कंपाइलर है वो इनकी डेफिनेशन लेगा। तो ये चेंजेस करने के बाद में प्रोग्राम इस तरह का हो जाता है, जिसमें ऊपर ऊपर इंक्लूड एस टी डी डॉट एच, फ्लोट एक्स, स्कैन एफ, वट एवर, जो भी दो चेंज आए हैं, एक फ्लोट एक्स लिखा है और दूसरा ऊपर ऊपर इंक्लूड एस टी डी डॉट एच लिखा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है, नहीं ये ढंग से काम कर रहा है, ये प्रोग्राम काम करेगा। और एक्स की वैल्यू जैसे हम 5 से कम देंगे तो ये परफेक्टली साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा। ये इनपुट रेडियन में होता है, ये डिग्रीज में नहीं होता है, ये रेडियन में होता है। ये सीरीज है वो रेडियन के लिए काम करती है। क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ इसमें? यस आई कैन डू, मैं कुछ अलग तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे हमने n इक्वल टू टू, एस इक्वल टू वन, ये इंट n, इंट s, फ्लोट n n, फ्लोट d n, फ्लोट सम बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं, यू नो एक ही साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक साथ डिक्लेयर करने के लिए क्या करना होगा? तो जैसे इंट n इक्वल टू टू, इंट s इक्वल टू वन, n इक्वल टू टू, बाद में सेमी कॉलन की जगह कॉमा लगाएंगे, आगे इंट को उठा देंगे। इसी तरह से फ्लोट, ये चेंजेस करेंगे, ये कुछ एक चीज़ें यहाँ से हटा दिए, ये दोबारा लिख लेता हूँ। इसके बाद में दोबारा लिखने पर ये प्रोग्राम एक ठीक काम करेगा, कोई चेंज नहीं किया, ये इसी तरह से काम करेगा जैसे हमने कोई चेंज किया ही नहीं। इसके बाद में क्या मैं जो वाइल के अंदर लिखे थे उनमें कुछ मर्जिंग कर सकता हूँ? क्या मैं उनको मिला के छोटा कर सकता हूँ कुछ? यस आई कैन डू, ये भी कर सकता हूँ। कैसे? तो मैं एक टर्म डिक्लेयर करता हूँ, रियल नंबर फ्लोट टाइप टर्म डिक्लेयर करता हूँ, और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को और साइन को, तीनों को टर्म में डाल देता हूँ। क्योंकि जो हमने सम लिख रखा है उसमें सम इक्वल टू सम प्लस एस स्टार एन एन अपॉन डी एन, ये साथ में है, तो ये क्या पूरा एक टर्म बन गया है, इसको एक टर्म के रूप में काम में ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ चेंजेस किए हैं, एक टर्म डिक्लेयर किया एज ए फ्लॉट, और बाद में प्रोग्राम में लिख दिया टर्म इक्वल टू एस स्टार एन एन अपॉन डी एन। ठीक है, ये भी ठीक काम कर रहा है। लेकिन यहाँ तक मर्जिंग नहीं हुई है, यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल काम में लिया है जो कंप्यूटर का टाइम ज़्यादा लेगा, ये टाइम बचाएगा नहीं, ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो जहाँ डी एन 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 उनकी डायरेक्टली वैल्यू ही लिख दी जाए, एस ट्रम इक्वल टू एस लिखा है उसकी जगह माइनस वन लिख दिया जाए, एन एन लिखा है वहाँ जो एन एन पुराना है, एन एन अपॉन डी एन, ये तो ट्रम की पुरानी वैल्यू हो जाएगी, और एन एन के मल्टीप्लाई में जो है डी एन के मल्टीप्लाई में जो है उनको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पर पुटअप कर दिया जाए। तो ये प्रोग्राम चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये चेंज अभी तक किया नहीं है, मैं दिखाता हूँ किस तरह से चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर अब इस तरह की चेंज करूँगा, तो जैसे एन ए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और सम की पुरानी कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज की थी, वैसे टर्म की भी कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो टर्म इक्वल टू इनिशियलाइज मैंने कर दिया एन एन अपॉन डी एन, न्यूमिनेटर की पुरानी वैल्यू
मतलब इनिशियल जो इनिशियलाइजेशन किया था वो एन न्यूमिनेटर अपॉन इनिशियलाइजेशन जो किया था डिनोमिनेटर वो कर दिया, और फिर प्रोग्राम में एन एन और डी एन की वैल्यू यहाँ पर रख दी, एन एन अपॉन डी एन इक्वल टू ट्रम, और आगे एन एन में जो था वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, डी एन में जो था उससे डिवाइड कर दिया। और ऐसा लिखने पर अब जो वाइल लूप के अंदर एन एन और डी एन लिख रखे हैं वो यूजलेस हो गए हैं, हम उन सबको हटा देते हैं। उन सबको हटाने के बाद में अब प्रोग्राम हो जाता है थोड़ा छोटा, और अब जैसे डिक्लेरेशन के टाइम ट्रम इक्वल टू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर किया था वहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, तो एन एन की एक्स है, डिनोमिनेटर की वन है, तो ट्रम इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब जो एन एन और डी एन डिक्लेरेशन में लिए हैं और इंटीजर एस इक्वल टू वन डिक्लेयर करके वैल्यू वन दिया है, ये भी यूजलेस हो गए हैं, ये भी बिना काम के हो गए, इनको भी हम हटा देते हैं। और अब प्रोग्राम हो जाता है और थोड़ा छोटा। अब बात आती है कि मैं ये शिफ्टिंग जो कर रहा हूँ, जैसे सम इक्वल टू एक्स और टर्म इक्वल टू एक्स किया है, इन्हों कहीं और लिख सकता हूँ? चलो लिख के देखते हैं, क्योंकि ऊपर फ्लोट एक्स एक्स को जहाँ डिक्लेयर किया वहीं इनको लिख के देख लेते हैं। तो मैं यहाँ उसी लाइन में लिख देता हूँ, इस लाइन को रिप्लेस करके भेज देता हूँ, लेकिन यहाँ गलती हो गई है, ये गलत कर दिया है, क्योंकि जब हम सम इक्वल टू एक्स लिख रहे हैं उस समय एक्स की वैल्यू ही नहीं है, एक्स की वैल्यू तो बाद में रीड कर रहे हैं, स्कैन अप नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये सम या टर्म को कोई भी रैंडम वैल्यू असाइन कर लेगा और उससे अपना रिजल्ट बिगड़ जाएगा, तो हमें कुछ और चेंज करने पड़ेंगे। हम डिक्लेरेशन ऊपर कर सकते हैं लेकिन वैल्यूज असाइन एक्स रीड करने के बाद ही करनी पड़ेगी। इसके बाद में और क्या चेंज कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने n को 2 से इनिशियलाइज किया है, क्या मैं n को 1 से इनिशियलाइज कर सकता हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ। चेंज क्या करना पड़ेगा, तो जो शुरुआत में टेबल थी उसमें 1 n इक्वल टू 1 लिखा था वहाँ n इक्वल टू 0 लिखो, वहाँ 2 लिखा था वहाँ 1 लिखो, 3 लिखा था वहाँ 2 लिखो, और चेक करो क्या चेंज आएगा। चेंज ये आएगा, जहाँ मैंने अभी 2n माइनस 2 लिख रखा है वहाँ 2n हो जाएगा, और 2n माइनस 1 लिख रखा है वहाँ 2n प्लस 1 हो जाएगा, और कोई चेंज यहाँ नहीं आएगा। तो ये चेंज करने पर प्रोग्राम इस तरह से थोड़ा सा चेंज हो जाता है और प्रोग्राम परफेक्टली सही काम करता है, प्रोग्राम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अब इसके बाद में प्रोग्राम में जो खाली स्पेसेस हैं उनका यूज करते हुए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम वो का वो प्रोग्राम है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर स्कैनएफ के ऊपर एक स्पेस छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, हमने अभी प्रोग्राम लिखा है, अभी कंपाइल और रन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पर ये क्यों अटका हुआ है, क्योंकि ये हम जब तक एक्स की वैल्यू नहीं देंगे प्रोग्राम रन होते समय आगे नहीं जाएगा। हम जो ही एक्स की वैल्यू देंगे ये साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा, लेकिन हम जब कल आके प्रोग्राम को देखेंगे हम भूल जाएंगे कि यहाँ पर हमने स्कैन एफ लिखा था। तो इसलिए बेटर है कि इंस्ट्रक्शंस के तौर पे यहाँ एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाला जाए जो हमें आउटपुट में बता देगा कि आपको कुछ देना है। तो यहाँ पर मैंने एक और लाइन डाल दिया, गिव वैल्यू ऑफ एक्स इन रेडियन। तो अब जब कंपाइल करूँगा प्रोग्राम को तो ये मुझे ये इंस्ट्रक्शंस देगा, गिव वैल्यू ऑफ एक्स इन रेडियन। अब हम नेक्स्ट चेंज देखते हैं, तो यहाँ पर सम इक्वल टू एक्स, ट्रम इक्वल टू एक्स एंड वाइल जो लूप है ये मिला के सम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ सम कहा जाए तो साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या मैं इसको यहाँ से कहीं फंक्शन में डाल सकता हूँ? यस, मैं डाल सकता हूँ, इसको अलग से फंक्शन में डाल सकता हूँ। कैसे? तो पहले मुझे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप फंक्शन दूंगा, तो मैं एक प्रोटोटाइप फंक्शन लिख रहा हूँ, फ्लोट एस आई एन ई फ्लोट, पहला फ्लोट लिखा है, मतलब जो फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसका रिटर्न टाइप रियल नंबर होगा, इसमें इनपुट भी रियल नंबर होगा, यहाँ अपना इनपुट एक्स है, रिटर्न सम होगा। तो अब मैं शिफ्ट करके इसको डालता हूँ अलग से फंक्शन में, नीचे लिख दिया है, अब ये फंक्शन मैं डाल दिया है, ये फंक्शन है साइन फ्लोट एक्स, और जो
वहाँ लूपिंग में लिखा था वही लिख दिया, लेकिन क्या यहाँ तो कुछ गड़बड़ रह गई है। सम और ट्रम फंक्शन में तो डिक्लेयर ही नहीं है, और मेन फंक्शन में सम और ट्रम को एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन दे रखा है, तो ये डिक्लेरेशन भी हमें फंक्शन के अंदर देना होगा, और फंक्शन में ये डिक्लेरेशन साथ में वैल्यू साइन। यहाँ पर फ्लोट और सम और ट्रम को डिक्लेयर करते ही हमने इक्वल टू एक्स कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू फंक्शन में आ रही है, फंक्शन में पहले से आ रही है। यहाँ हमें एक्स को दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स को वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन को जब भी कॉल होगी तो ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर आएगी। अब हम देखते हैं कि और क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पर ये सम क्या है, यहाँ सम तो मेन फंक्शन में था, हमने हटा दिया था, तो यहाँ हमें सम की जगह हम यहाँ से फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि हम फंक्शन को अब तक मेन में कहीं कॉल नहीं किए हैं। तो फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमने यहाँ फंक्शन का नाम लिखा और इनपुट में जो वैल्यू है वो डाल लिख दी। जैसे हम यहाँ एक्स की वैल्यू इनपुट में दे रहे हैं तो एक्स लिख दिया, यहाँ हम एक्स स्टार टू देंगे तो टू एक्स चला जाएगा। और अब हम स्पेसेस को ठीक करके प्रोग्राम को दोबारा लिखते हैं, ये प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन को कॉल करके मेन फंक्शन है वो साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। इस वैल्यू को और ज़्यादा परफेक्ट बनाना है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, ये एक्स की वैल्यू 5 से कम है तभी सही काम करेगा। हमें और अच्छा बनाना है तो हम एन की वैल्यू 20 कर देते हैं, मतलब हम 20 टर्म्स तक कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, हमें एक फंक्शन, हमें एक साइन एक्स की प्रॉपर्टी पता है, साइन एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन एक्स होता है, और 2 पाई इज अराउंड 6.28। तो हम एक कंडीशन डाल देते हैं, लूपिंग लगा देते हैं कि यदि एक्स की वैल्यू 6.28 से ज़्यादा है तो वो उसमें से 6.28 घटा दे, रिजल्ट सेम आएगा, तो अपनी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और साइन एक्स की वैल्यू परफेक्टली सही कैलकुलेट करेगा, चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू दें। लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा प्रोग्राम को दोबारा ऊपर लिख के देखते हैं। तो अब मैं मेन फंक्शन पर फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि मेन फंक्शन में तो यही इनपुट यही रहना है, चेंजेस किस में करने हैं, तो साइन नाम का फंक्शन बनाया उसमें, तो उसमें क्या चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर मुझे चेंजेस करने हैं कि अभी तक जो लिख रखा है वो एक्स की वैल्यू 5 से कम के लिए था, अब मैंने एन इक्वल लेस देन 20 कर दिया है, तो ये एक्स की वैल्यू 10 से कम है तब तक भी परफेक्टली सही काम करेगा। और अब मैं इसमें कुछ और चेंज करना चाहूँगा, तो और चेंज करने से के लिए मैं ऊपर एक स्पेस छोड़ रहा हूँ, और उस स्पेस में मैं लिखूँगा कुछ लूपिंग लगाऊंगा। तो मैंने एक पाई की वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू 3.14159263 दी है, इससे ज़्यादा आगे की डिजिट्स दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट जो टाइप सी प्रोग्रामिंग में है उसमें इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये नहीं लेता। मैंने लिखा है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 7.0 तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, लेकिन यदि एक्स की वैल्यू मान लो 50 है 50 है तो वो 43 हो जाएगी, 43 के लगभग हो जाएगी, तो हमारा रिजल्ट गलत आएगा। इसलिए यहाँ पर इफ़ की बजाय हमें वाहिल लगा देना चाहिए, हम वाहिल लगा देते हैं, और अब ये एक्स की सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए परफेक्टली करेक्ट रिजल्ट देगा, लेकिन एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये करेक्ट रिजल्ट नहीं, ये काम ही नहीं करेगा, ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, या यहाँ इनफाइनाइट लूप में तो नहीं फंसेगा, लेकिन ये एक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए हमें गलत रिजल्ट दे सकता है। यदि एक्स की वैल्यू -10 से ज़्यादा है तब तक तो सही रिजल्ट देगा, लेकिन मान लो -20 -30 -40 देंगे तो ये गलत रिजल्ट देगा, तो उसके लिए हम एक और लूप लगा सकते हैं, वो आपको सोचना है, लगाएं और मुझे दिखाएं, कमेंट में भी लिख सकते हैं क्या लिखना होगा, कहां पर क्या लिखना होगा कमेंट में लिख दें, तो भी मैं मान लूंगा कि आपको ये समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं क्या इस व्हाइल लूप को हम किसी और लूप से कन्वर्ट कर सकते हैं।
मैं ऊपर वाले वाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नीचे वाले वाइल की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक इनिशियलाइजेशन कर रखा है n इक्वल टू वन और एक इंक्रीमेंट डाल रखा है n इक्वल टू n प्लस वन। ये हमें याद दिलाता है एक दूसरे लूप की, जिसको हम फॉर लूप कहते हैं। तो फॉर लूप में यदि कन्वर्ट करते हैं तो फॉर लूप में हम क्या करेंगे, वाइल की जगह फॉर लिखेंगे, पहले कंडीशन को लिखेंगे n इक्वल टू वन, और पहले इनिशियलाइजेशन को लिखेंगे n इक्वल टू वन, कंडीशन अपने बीच में रहेगी और उसके बाद में हम इंक्रीमेंट को डाल देंगे, तो प्रोग्राम दिखने में थोड़ा और छोटा हो जाएगा। और अब हम कंडीशन, जैसे n इक्वल टू 20 की कंडीशन दे रखी है, ये 20 टर्म्स को ऐड कर रही है, इसकी वजह हम इस कंडीशन को भी और ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। और वो चेंज क्या करेंगे कि एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, तो जो टर्म है वो हमें एक्यूरेसी दे रही है उसकी वैल्यू 10^-30 से कम है, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। और हम इस तरह से कंडीशन को चेंज कर देते हैं, 1e-30 का मतलब है 10^-30। तो टर्म की वैल्यू जब तक 10^-30 से कम है या 10^-30 से ज़्यादा है, तब तक ये लूप चलता रहेगा और ये हमें बहुत ही अच्छी साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। यहाँ कोई गलती नहीं आएगी, एक गलती आएगी वो पाई की वैल्यू की वजह से ज़रूर आ सकती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम देखते हैं कॉस एक्स, तो जैसे साइन एक्स में लिखा था वैसे ही कॉस एक्स के लिए लिखते हैं। वहाँ पर हमने n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ हम n इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज रूप फॉर्म में मिले, चेंज फॉर्म में मिले। तो n इक्वल टू 0 के लिए हमें देखने को मिलता है कि न्यूमरेटर 1 है, मतलब x टू पावर 0 है, डिनोमिनेटर फैक्टोरियल ऑफ 0 है, मतलब 1 है, और साइन पॉजिटिव है। n इक्वल टू 1 के लिए एक्स स्क्वायर न्यूमिनेटर है, फैक्टोरियल टू डिनोमिनेटर है, एंड साइन नेगेटिव एंड सो ऑन। nth टर्म के लिए न्यूमिनेटर एक्स टू पावर 2n है, डिनोमिनेटर फैक्टोरियल ऑफ 2n है, और साइन -1^n है। इसको ही रिकर्सिव फॉर्म में लिखें, तो फर्स्ट टर्म 0 टर्म को एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाती है, मतलब न्यूमिनेटर को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 1/2 का भाग देंगे, मतलब डिनोमिनेटर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड टर्म में न्यूमिनेटर को एक्स स्क्वायर से, फर्स्ट टर्म के न्यूमिनेटर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से nth टर्म में न्यूमिनेटर को n-1th टर्म के न्यूमिनेटर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में n-1th के टर्म के डिनोमिनेटर को 2n-1 एंड 2n से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम जो साइन की सीरीज के लिए फॉलो किया था वही कोस के लिए फॉलो करें, तो थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो चेंज आएगा इनिशियलाइजेशन, जैसे साइन में हमने किया था वो एक्स से किया था, यहाँ इनिशियल वैल्यूज अपने पास 1 एंड 1 है, तो इनिशियलाइजेशन हम सम और टर्म को 1 से कर देंगे। इसी तरह से न्यूमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसमें भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में वहाँ पर 2n एंड 2n+1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ 2n-1 एंड 2n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी 2n की जगह 2n-1 एंड 2n+1 की जगह 2n लिख देंगे। ये चेंजेस करते ही ये अपना कोस का फंक्शन बन जाएगा, इसलिए हम साइन की जगह कोस लिख देंगे, कोसाइन लिख देंगे, और अपना ये परफेक्टली वर्किंग प्रोग्राम बन जाएगा। इसको भी फॉर लूप में चेंज कर सकते हैं जैसे साइन सीरीज को किया था, और ये परफेक्ट रिजल्ट देने वाला बहुत अच्छा कोस का प्रोग्राम बन जाएगा। अब हम देखते हैं टेन, टेन का एक्सपेंशन एक अलग वे में दिया हुआ है, वहाँ नॉर्मल सीरीज थी, यहाँ सीरीज थोड़ी इस तरह से दी हुई है कि डिनोमिनेटर में चलता रहता है, डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन है जिसमें और डिनोमिनेटर आता है, उसमें फिर एक और फ्रैक्शन है और उसमें फिर डिनोमिनेटर आता है, मतलब एक्स सबसे ऊपर है उसमें डिनोमिनेटर क्या है 1-1 एक और फ्रैक्शन आ जाता है, उसमें उस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 3-, फिर से एक फ्रैक्शन आ जाता है,
उसमें न्यूमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 5 माइनस फिर से एक फ्रैक्शन आ जाता है और ये इनफिनिट तक चलता रहता है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तो ऑब्वियसली हम इनफिनिट टर्म्स को रियल लाइफ में कैलकुलेट यहाँ नहीं कर सकते इस तरीके से। तो यहाँ पर भी जैसे साइन और कोस में हमने फाइनाइट टर्म्स ली, उसी तरह से कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं फाइनाइट टर्म लूँ तो लास्ट वाली टर्म को क्या मानूँ, 1 मान लेते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं पहले चेक करता हूँ कि एक मुझे इस तरह का फंक्शन मिला है, जैसे पिछले 10x की सीरीज में मैं x को 1 लिख दूँ तो ये किस तरह की सीरीज बन जाती है, उस तरह से मैं लिख रहा हूँ। तो मुझे मिलता है 1 upon 1 minus 1 upon 3 minus 1 upon 5 minus 1 upon and so on। मैंने इसका एंड कर दिया 11 minus 1 upon 1 पर। लेट्स से इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसको ऊपर से कैलकुलेट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 11 minus 1 को कैलकुलेट करेंगे। और 11 minus 1 जैसे सबसे पहले 1 upon 1 is 1 और उसके बाद में 11 minus 1 को करेंगे, तो 11 minus 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और उसके बाद में 1 upon 10 को कैलकुलेट करेंगे जो 0.1 होगा, उसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8.9 होगा, फिर 1 upon 8.9 को कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन हम चलते जाएंगे। तो यहाँ पर इसका कन्वर्जन बहुत फास्ट होता है, लगभग 10 टर्म्स भी लेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छे से मिल जाएगा, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ इस टर्म तक पहुँचेंगे, 1st टर्म तक पहुँचेंगे। अब हम यहाँ पर देखें कि हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर टर्म इक्वल टू 1 कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट, और n की वैल्यू 11 कंसिडर कर देते हैं। उसके बाद में टर्म इक्वल टू 1 upon टर्म हो जाती है, न्यूमिनेटर n इक्वल टू 11 ही रहेगा अभी। उसके बाद में टर्म इक्वल टू मैं n माइनस 1 upon टर्म कर दूं तो ये नीचे वाला पूरा आ जाएगा। n इक्वल टू n माइनस 2 कर दूं तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी। और कहाँ तक जाऊं, n की 11 से स्टार्ट की थी, चेंज n में n इक्वल टू n माइनस 2 किया था, कहाँ तक करूं, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक करूं। पहले हम n की वैल्यू बढ़ा रहे थे, इसमें n की वैल्यू हम कम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट क्या कर लेंगे, हम 1 minus 1 upon 1 minus 3 minus 1 upon 5 minus 1 upon ये कैलकुलेट कर लेंगे। और फाइनली हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पर टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए डिनोमिनेटर की कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। तो वापस हम 10 की सीरीज में आते हैं, यहाँ 10 की सीरीज में मैं लास्ट में जो डॉट 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 लिखा है वहाँ 1 मान लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल वैल्यू लूँगा n की वैल्यू 11, टर्म की वैल्यू 1, कंडीशन क्या रखूँगा, कंडीशन n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, कैलकुलेशन क्या करूँगा लूप में, तो टर्म इक्वल टू n माइनस x स्क्वायर अपॉन टर्म, और इंक्रीमेंट या उसकी जगह डिक्रीमेंट क्या करूँगा, n इक्वल टू n माइनस 2, और फाइनल जो वैल्यू कैलकुलेट होगी टर्म की वो 10x की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि फाइनल जो हम इस लूपिंग से की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम लिख के देखें तो आएगी 1 minus x square upon 3 minus x square upon 5 minus x square and so on। तो हम 10x की वैल्यू कैसे देंगे, वो x अपॉन टर्म हो जाएगी। और इस तरह से प्रोग्राम लिखूं, फंक्शन ही लिख रहा हूं, तो साइन और कोस में जैसे लिखा था ऊपर वाली दो लाइन सेम रख देता हूं, और यहां फ्लोट टर्म इक्वल टू 1 करता हूं, और लूप जो है n इक्वल टू 11 से स्टार्ट होगी, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलेगी, और लूप में n इक्वल टू n माइनस 2 रहेगा, और टर्म इक्वल टू n माइनस x स्क्वायर अपॉन टर्म, और ये रिटर्न करेगा x अपॉन टर्म, और ये 10 की बहुत ही अच्छे से वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। हमें इस तरह की और भी सीरीज देखनी है, हम इस तरह से लिख के कोशिश कर सकते हैं, यदि कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में लिखें। हम सीरीज़ देखनी है तो wolframalpha.com पर हमें सीरीज़ मिल जाएंगी, मोस्ट ऑफ द सीरीज़ वहाँ पर मिल जाती हैं, वहाँ सर्च करना सीखें। और